बरगढ़ जिले रे चासिंग को समस्या दिनक दिन जटिल होवार लागिछि। गोटे पटे कोरोना तो अन्य पटे कालो बैसाखी एवं टोकन एवं पंजीकरण समस्या को नै चासी एबे हैरान एवं हरकत रे पड़िछि। आमे आज आसी पहुँची छु बरगढ़ जिल्ला रो गुड़ेसीरा मार्केट यार्ड रे। आमे आम सहित किसी चाषी अच्छा आम सीधा सलख आलोचना करवा मुझे आम कैमेरा पर्सन को कहे से देखे जो चाषी मैंने अच्छा ये मैंने आज आई जमा होती मैंने दीर्घ दिन आगर पंजीकरण पर कागजपत देते किंतु एपर्तंतर कागजपत होनी कि टोकन आसीपारी ना। आम सीधा सलख चाषी मान सहित आलोचना करवा आजा कौन कहे आपत दिन है आप पंजीकरण पर एप्लाय करपर्यंत जेहतु आप धान अमल होगा तो असुविधा कौन कौन हो आम पंजीकृत एपर्यंत होना 13 तारीख दि सरलाणी आम सोसाइटी कहले से कहते सीएसओ अफिस् जातु सीएसओ अफिस् वाले से कौन सी रिपोर्ट दौना और आम धान हो गलानी आम कमी धान बिकबू और ये टोकन व्यवस्था उच्छेद करा जो आउ 12 13 दिन रे धान केमती बिकिबो का पाखरे गाड़ी अछि काई कोटी धान काटिबा गाड़ी नाही मिलर वाले बस्ता देउ नांती ताकु टोकन ने से टोकन आसीला बेले तांको टैक्स चोरी जाउ छी बोले चाची केमती धान बिकिबे काला पैसा की पुनी दाम साजी जी निश्चित रूपे जहाँ शुणुले चाषी प्रतिक्रिया रखुले के भाव से समस्या सम्मुखीन होती आउ किसी चाषी होती प्रतिक्रिया रखा कौन कहे कि भाव में जो सरकार व्यवस्था करथर मध्य रवि ऋतुर टोकन सिस्टम रे धान को किणा बिका को नहीं तो ये किपर भाव में चली भारी हैरान हरकत हो लोक लोक चाहते सुरखुरी भाव में बिके ये जो 15 दिन करदेला टोकन सिस्टमटा या कोई बढ़ेब मसे करस ठीक सुविधा होता तापर तो चाषी पाखे पैसा नहीं धान रखी कौटी मैंने धान काटने असुविधा बस्ता ना बस्ता मिलर देवा कथा से मिलर भी बस्ता देनी ताक पैसा देवा पड़ी तापर आणिक हरकत हो पकड़ा भी से हैरान कर मैंने मार्केट रू धान उठेबापी निज गाड़ी उठेबे से भड़ाटा निजे देवे आउ मिलर को देवा कथा से पैसा कि मिलर देनी सारा चाषी निजे बिहार करजे हाथ रू पैसा देपर ट्रांसपोर्टिंग खर्चा भी दे से सब देलापर आज चाषी कौन बचे निश्चित रूपे जो प्रतिक्रिया रखुले जो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम कर राज्य सरकार तरफ कह जो ट्रांसपोर्टिंग खर्च हे चाषी बहन करेंगे ना ता राज्य सरकार बहन करेंगे और मिलर्स बहन करेंगे ए सहित जो गनी बैग दि जाऊला से गनी बैग खर्च चाषी को मिलवा कथा कि मिलर्स को मिलूँ कौन कहे आज्ञा जेहेतु असुविधा बहुत गुड़ाए रही आपण मैंने दीर्घ दिन है आंदोलन करुँच टोकन सिस्टम को बंद करने कि पुणी टोकन आपं काल साजिश एकुरट ठीक कथा आज्ञा गुड़ेसरा मार्केट यार्ड में भित्तिभूमि थी धान एराधल कहीं हबार भित्तिभूमि थी टोकन बोलिकी गोटे हाल कर जड़े चाषी धान भिजुचे खलान आनिकर मार्केट यार्ड तो सोसाइटी 56 लाख टंका देकर गोडाउन बनइए सोसाइटी गोडाउन कहार स्वार्थ लगे बनाइए यहाँ पहला सर्वे कर बुझे आर से जगटा प्रकृत चाषी मान हैंडओवर करें धान रखे सोसाइटी गोडाउन में चाषी आपन को मना कर धान मंडी को आसिक धान रखा हाँ हाँ जदि एराभेल ना एराभेल बंद टोकन ना एराभेल बंद हाँ तो कहीं सोटा करबो आज सोसाइटी आप गोडाउन बनइए धान रखबार लगे 56 लाख टंका खर्चा कर गोडाउन बनइए सोसाइटी आमर पैसा तो आमर धान रखा तुमको मना करवा लगे सीटा किए जो चाषी निज पैसा देखते यही मार्केट यार्ड में गोडाउन बनवाई राज्य सरकार को पैसा देखते झाड़ पैसा देखते किंतु आज चाषी को मंडी धान रखा मना कर कौन कहे जो समस्या लग रही कौन कहे बढ़िया समस्या चाषी सरकार चाषी मारणा नीतिटा अति शीर्ष पहुँची गलानी आगर थी गोटे मस थी टोकन अवधि आहते 15 दिन कहते 12 दिन भितर एरामाल हाला 15 दिन भितर बिकि पारे आजा गोटे सिस्टम कर टोकन जहाँ पर मानने नंबर पर मानने जड़े के जब ज्वर है कि कौन से बेमार पड़ा जो जड़े आसी ना पार्ला 10 दिन आसी ना पार्ला भी से मार्केट यार्ड बंद ऊपर लोकटा ना बिकि पार्ला तल लोकटा बिकि ना पारे एत शीर्ष हलान जे चाषी मारणा नीति चाषी मैंने बंची ना पार आत्महत्या पूरा गोटे सुना छुटब सरकार निश्चित रूपे जहाँ शुणुले चाषी मैंने किभली भाव में अवस्था अच्छा के दयनीय अवस्था अच्छा आम सीधा सल आलोचना करवा अवनी बाबू आम सहित अच्छा अवनी बाबू आप दीर्घ दिन है चाषी मान सहित रही आसी सुख दुख बुझी आसती जो सरकार राज्य सरकार किभली भाव में चाषी को प्रतारणा कर देखो प्रथम कथा एवं चाषी मैंने जो कथा कहते जे आपणकर सोसाइटी रे तांकर जो भागीदारी अच्छी सोसाइटी भागीदारी रे तांकर पैसा रे चाषीर पैसा रे एठाने गोडाम तैयारी
ଯାହାକି ତୁମର ସେମାନେ ଧାନ ଆଣିକି ଷ୍ଟକ୍ ରଖିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ଅଜବ ନୀତି ଯେ ତାଙ୍କର ଯଦି ଟୋକନ୍ ନାହିଁ ସେମାନେ ମାର୍କେଟ୍ ଇଆଡ଼କୁ କିମ୍ବା ଗୋଡ଼ାଉନକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏବେ ମାନେ ଜଣଙ୍କର ଯଦି ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ନାହିଁ, ଯେ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ଏବଂ ସେ ଯଦି କୌଣସି କାରଣ ଲାଗି ଆସିନି ପାର୍ବାର ବେଲେ ତମାନେ ଅନ୍ୟ ତାର ତଳେ ଯେନ୍ ଯେନ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିନପାର। ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କର ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମିଲର୍ସ ମାନଙ୍କର ହିତରେ ଏବଂ ଦଲାଲ ମାନଙ୍କର ହିତରେ ଏ ପ୍ରକାର କାମ କରୁଛନ୍, ଇ ଯେନ୍ କାମ କରୁଛନ୍ ଇତାର ବିରୋଧ ରହିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଟୋକନ ସମସ୍ୟା କହୁଥିଲେ, ଚାଷୀମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ, ସିଏ ସବୁ ପଚାରିଲେ କହୁଛି ସିଏ ସବୁ ଆମେ ଆମ କିଛି କରିପାରିବୁନି, ଆମେ ଦେଇଦେଇଛୁ 3650 ଚାଷୀଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଛୁ, ସୋସାଇଟି ତାହାକୁ ଏଇଟା କରିବ, ସୋସାଇଟି କହୁଛି କି ସିଏ ସବୁ ଅଫିସ କରିବ, ଏମିତି ତମାନେ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ସେମାନେ କାଦୁଅ ଫିଙ୍ଗା ଫିଙ୍ଗି ହେଉଛନ୍, ସେଥିରେ ଚାଷୀ ମାନେ ପେଡ଼ି ହୋଇଛି। ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିମି, ଆଜି ସିଏସଓ ଅଫିସ ମୁଁ ଏବେ ବି ଯିବି, ଚାଷୀମାନେ ବି ଯିବେ, ସିଏସଓଙ୍କୁ ବି କହିବି, ଚିଫ୍ ସିଏସଓଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଏଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଅତି ଶୀଘ୍ର କରୁନ୍, ଟୋକନ ସମସ୍ୟା ତ ଅଛି, ଟୋକନ ସମସ୍ୟା ଉଚ୍ଛେଦ କରୁନ୍, ନାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚାଷୀ ସହିତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସବୁ ସମୟରେ ଅଛି, ଗତ ମାନେ ଆଗରୁ ବି ଥିଲା ଏବେ ବି ଅଛି, ଏବଂ ଆମେ ଆଜି ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଅବନୀ ବାବୁ, ଯେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରା ନଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ ଚାଷୀ ସଂଗଠନଙ୍କ ମିଳିତ ଅନୁସାରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଏବଂ ଏକ ବିରାଟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ। ବରଗଡ଼ରୁ ମନୀଷ ଶର୍ମା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।